नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फिलिप्स का ट्रिमर सीरीज 3000 का। इसका जो मॉडल नंबर है BT3221/15। ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन चाइना नहीं है, ये डिज़ाइन इन नीदरलैंड एंड मेड इन इंडोनेशिया है। हमें चाइना का प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिमर खरीदा जाए जो मेड इन चाइना ना हो। वैसे भारत में सिर्फ एक ही ब्रांड है, उस्तरा ब्रांड, लेकिन वो भी अपना प्रोडक्ट चाइना में बनाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं खरीदा। भारत और दूसरे जो भी चाइनीज के अलावा जो भी ब्रांड है वो भी अपने प्रोडक्ट चाइना में बनाते हैं, मात्र एक फिलिप्स ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपना प्रोडक्ट इंडोनेशिया में बनाता है। आइए चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड दिया हुआ है, अनलॉक वन एक्स्ट्रा ईयर ऑफ वारंटी। इस वेबसाइट पे हमें जाना है और हमें साइन अप करना है, और आगे कैसे करना है ये उसमें लिखा होगा। साथ ही में ये मैनुअल है और कैसे इसको ऑपरेट करना है इसके बारे में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। और बॉक्स में है एक चार्जर, ये आप देख सकते हैं, ये जो चार्जर है वो मेड इन इंडोनेशिया है। एक छोटा सा ब्रश है जो साफ करने के लिए। ये हमारा मेन यूनिट ट्रिमर, इसका जो कलर है वो ब्लैक ग्रे कलर का है कॉम्बिनेशन में। साइड में फिलिप्स की ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है और उसका सीरियल नंबर क्या है वो लिखा है। ये ऊपर का कॉम्ब है, इसको हम ऊपर की तरफ निकालेंगे तो निकल जाएगा, ऐसे निकाल लेंगे इसको। यहाँ पे जो ब्लेड है वो टाइटेनियम की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की नहीं है, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। टाइटेनियम ब्लेड जल्दी रस्ट नहीं होती है तो, और अच्छी इसकी शार्पनेस भी लंबे टाइम तक रहती है। ऊपर भी फ्लिप्स का एक लोगो है। ये यहाँ पे नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है और ये हमारा जो कॉम है वो अप डाउन करने के लिए इसमें 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। करीब 10 mm तक ऊपर नीचे हो जाता है। ये जिस हमने पावर बटन दबाया, अभी बैटरी लो है इसलिए रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। हम इसको चार्ज पे लगाएंगे। चार्ज पे लगाने के लिए ये हमारा चार्जर जो है इसकी जो वायर है काफ़ी लंबी है, करीब 1.5 से 2 मीटर लंबी है, तो आसानी से आप इवन प्लगिंग करके भी आप जो है ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं। बॉटम वाले पार्ट में चार्जर का ये पिन लगा दीजिए। हमने चार्जिंग पे लगा दिया है, देखिए अब ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब चार्जिंग हो रही है। हमने चार्जिंग के बाद इसको निकाल लिया है। अब ऊपर की ब्लेड को निकालने के लिए ऐसे ऊपर की तरफ पुश कीजिए तो हमारा जो ऊपर का जो ब्लेड वाला पोर्शन निकल जाएगा। ये अंदर मोटर का हेड है जो ब्लेड में इस तरह लग के वो ब्लेड को बार बार मूव करती है। वापस इसे लगा दीजिए। पहले बॉटम वाला पोर्शन ऐसे
वर्टिकल लगाइए थोड़ा सा और ऊपर वाला नीचे की तरफ पुश करिए। ये नॉब है ऊपर का कॉम को अप डाउन करने के लिए, ये हमने कॉम को इस तरह लगा दिया है। करीब 10 mm तक हाइट जो है आप बढ़ा सकते हैं उसकी। आपकी जो बियर्ड की जो अगर आपको 10 mm का बाल रखना है उसका हाइट, तो उसको 10 mm सेट कर दीजिए। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे। हमने ऊपर कॉम नहीं लगाया, हम फुल इसको जीरो सेविंग कर रहे हैं। काफी स्मूथ चल रहा है। मैं सिंसर ब्रश को यूज कर चुका हूँ, काफी अच्छा है। देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट रिमूव कर दिया है। इसकी एक ट्रिमर है तो आपको थोड़ा सा बाल दिखेगा ही, जो नॉर्मल हम लोग कराते हैं हम लोग से भी वैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये ट्रिमर है एक्चुअली, तो ये सिर्फ ट्रिम करता है क्योंकि हमने जीरो से जीरो में ट्रिमिंग किया है इसको। मेरा ये मॉडल लेने का तत्पर सिर्फ इसी था कि इसकी जो ब्लेड है वो टाइटेनियम की है, प्लस इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं कहते हैं सर 1 आवर चार्जिंग करने से 1.5 घंटा चलती है, 60 मिनट चार्ज करने से 90 मिनट तक ये बैकअप देता है।